आगे बढ़ेंगे तो आगरा में आज द्वितीय सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन हो रहा है। मैराथन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सेंट जोन्स कॉलेज से शुरू होकर मैराथन एकलव्य स्टेडियम पर इसका आयोजन किया गया है और इसमें G20 की मेजबानी को लेकर भी संदेश दिया जाएगा। ओलंपियन और भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। तो आगरा में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन, सांसद मेले का यह स्पर्धा और आज मैराथन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिसमें हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने भाग लिया और मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और मैं आगरा की जनता का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि बहुत उत्साह है, छोटे बच्चों से लेके दिव्यांग लोगों से लेके सीनियर सिटीजन से लेके सभी जात वर्ग क्षेत्र धर्म के लोगों ने आज रन फॉर G20 में शामिल होकर के और G20 को भी प्रमोट किया है और प्रधानमंत्री जी की खेलो इंडिया जो है उसको। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री की मुहिम को साकार करने के लिए आगरा के सांसद केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने सांसद खेल स्पर्धा आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और आज उसका आगाज हो चुका है। सांसद खेल स्पर्धा के तहत जो आज मैराथन दौड़ है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसको हरी झंडी दिखा रहे हैं जो ओलंपियन रहे हैं और सांसद हैं वर्तमान में राज्यवर्धन सिंह राठौर, चीफ गेस्ट के तौर पर सांसद खेल स्पर्धा योजना के को हरी झंडी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वर्चुअली आशीर्वचन देकर तमाम जो कहा जाए युवा हैं या ऐसे लोग जो खेल प्रेमी हैं जो फिजिकल एक्टिव रहते हैं उन लोगों के लिए एक संदेश जारी किया है और आप देख सकते हैं कि ट्राई कलर के आकार में इन बलून्स को उड़ाया गया है। हजारों हजार की तादाद में इसमें आगरा के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करीब 20,000 से ज़्यादा की संख्या है। देखिए खासकर युवाओं में किस तरह का जो जोश है वो आप देखते ही बन रहा है। इस मौके पर SP सिंह बघेल के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर और तमाम जो शहर के गणमान्य लोग हैं, शहर की तमाम जो हस्तियां हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इस समय इस मौके पर मौजूद हैं। 22 तारीख तक ये खेल स्पर्धा चलने वाली है जिसमें करीब 30 खेलों में लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से फरवरी महीने में G20 का कई कार्यक्रम प्रस्तावित है तो इसको लेकर भी ये जो एक G20 की मेजबानी को लेकर भी एक बड़ा मैसेज इस सांसद खेल स्पर्धा के तहत दिया जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। इधर बाराबंकी में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज मोदी योगी सरकार के साथ है। निकाय चुनाव में भाजपा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट भी देगी और सरकार पूरी तत्परता के साथ अल्पसंख्यक समाज की में जुटी हुई है, उनकी तरक्की के लिए समर्पित है। दानिश बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा के साथ है अल्पसंख्यक समाज, ये कहना है दानिश अंसारी का। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है और लगातार उनके लिए काम किया जा रहा है। हम जनता की सेवा के लिए लगातार तत्पर हैं। वरुण गांधी जी के बारे में जो आपने पूछा, ये उनके विचार हैं, आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हम समाज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं। जनपद बाराबंकी के विकास के लिए हमेशा योगी सरकार ने तत्परता से काम किया है। बाराबंकी के विकास की यात्रा को योगी सरकार इसी तरीके से अनवरत जारी है। इधर मऊ में पत्नी की दुकान को जबरन बंद कराया गया है। दोस्तों के साथ मिलकर पति ने पत्नी की दुकान को बंद करा दिया। जबरन दुकान बंद कराते हुए अब वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्थानीय दुकानदारों ने विरोध किया तो मौके से पति निकल गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन पति अभी भी फरार बताया जा रहा है। मऊ नगर क्षेत्र के अली बिल्डिंग बाजार में शबा नाम की एक महिला दुकान चलाती है। एक महीने से अपने पति से ये महिला अलग रह रही है और आरोप है कि पति इन सब बातों से नाराज रहता है और पत्नी की दुकान पर कब्जा करना चाहता है और पत्नी ने जब विरोध किया तो हथियार लेकर अपने दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचा और दुकान को बंद करा दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो CCTV में दबंगई की तस्वीर भी कैद हो गई है। आप देखिए किस तरीके से महिला का पति अपने दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचता है और जबरन दुकान को बंद करवाता है। तो वही बाजार के जो आसपास के दुकानदार थे जब उन्होंने इस पूरे मामले को देखा और आक्रोश उनमें नजर आए जिसके बाद जो ये महिला का पति था वो अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया।
वही कुछ लिए थे, कोई कट्टा उट्टा लिए थे वो लोग। हाँ। और ये लोग दो तीन राउंड सुबह से लगा रहे हैं सारे लोग राउंड। हाँ। और फिर अभी आके खड़ा हुआ है, इसमें रिकॉर्ड भी है सारा, गाली भी दे रहा है, गाली भी उल्टा सीधा बक रहा है, और जो थोड़ा सा किसी को बुला भी दे रहा उन लोग को भी गाली दे रहा, हाथ उठा रहा उन लोग के ऊपर। अच्छा। कोई आवाज तो देगा ना, कुछ करेगा कोई तो, यही सब है। तो फिर पब्लिक जुटी है, तो फिर फोन किए हैं सुबह। क्यों कट्टा क्यों लेकर आया था? हम लोग में थोड़ा वो चल रहा है, एक आठ महीने से केस मुकदमा सारा चल रहा है, तो आ रहा है दुकान खाली करवाने। और ये दुकान मेरी मम्मी के यहाँ से दुकान भी नहीं है, तो कट्टा लेकर आया था। देखिए, हाँ रखा हुआ था, सारे लोग देखे लेके भागा है, ये दो पकड़ाए वो भाग गया। कौन भागा है? वहाँ हस्बैंड मेरे, पारिवारिक विवाद था, उसमें पुलिस चौकी के लोग दो लोगों को ले गए, उसमें आवश्यकता अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। सर अवैध असलाह के साथ सूचना मिली थी कि अवैध असलाह लेकर चढ़े थे ये? नहीं, अवैध असलाह उनके पास किसी के पास से अभी पकड़े जाने की कोई सूचना नहीं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जो भी विधिक कार्रवाई हो। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।